नमस्कार साथियों, मेरा नाम महावीर प्रसाद है, जो कि मैं केशुराय पाटन ग्राम इंद्रपुरिया से बिलोंग करता हूं। अभी वर्तमान में राजस्थान पुलिस भर्ती परीक्षा 2019 में जो मेरा कोटा ग्रामीण से सिलेक्शन हुआ है, जिसमें मेरी 5वीं रैंक आई है। और मैं एक टाइम पे सबसे बड़ी आगामी भर्तियों की देखा जाए तो सबसे ज़्यादा वेटेज जीके का रहता है। अभी राजस्थान पुलिस में देखो सबसे ज़्यादा वेटेज जीके का रहा है। तो मैं बताना चाहता हूँ कि जब मैं वर्तमान में यहाँ पे आया था तो उस टाइम थोड़ा जीके कमज़ोर था मेरा, लेकिन जैसे मैं सीरीज क्लासेस में राज्य के स्तर से मैं मिला तो एक तरह से मेरी जीके बहुत अच्छी कंप्लीट हो गई। बहुत अच्छे सीखने को मिला, बहुत अच्छे नोट्स, जो मेरे को लगा कि नहीं यार वाकई में यहाँ पर कुछ सीखने को मिल रहा है, तो मेरे को बहुत अच्छा लगा। और जीके से अपन जीते एक अतासा घरे, लेकिन कि कोई कितना पढ़ा रहा है, कोई क्या पढ़ा रहा है, वो मैटर नहीं करता। जो बहुत अच्छा पढ़ाता है सबसे मेन चीज़ वो मैटर करती है। तो जो भी बच्चे हैं, जो भी वर्तमान में राजस्थान पुलिस पटवारी ग्राम सेवक अन्य प्रतियोगी की परीक्षा की जो तैयारी करना चाहता है, जो 12th पास हैं और भर्ती की तैयारी करना चाहता है, तो मैं उन सभी से यही बात बताना चाहूँगा कि जो जीके हैं जिनकी कमज़ोर है तो वह सीधा सीरीज क्लासेज से जुड़िए और सीधा सीरीज क्लासेज प्लेटफॉर्म से। और यहाँ पर जो जीके आपको जो मिलेगी, यानी आप 6 महीने के अंदर अंदर, 12 महीने के अंदर अंदर आप बहुत अच्छी कंटेस्ट जीके यहाँ से तैयार कर सकते हैं, यानी आप एक जीके के हीरो बन सकते हैं। तो मैं सभी विद्यार्थियों से ये बताना चाहूँगा कि आपको अगर अपना कंपटीशन बहुत लेवल हाई करना है, कंपटीशन लेवल बहुत अच्छा करना है, तो उस हिसाब से आप जीके यहाँ पे आज बहुत अच्छी कंप्लीट कर सकते हैं। तो सभी विद्यार्थियों से कहना चाहूँगा कि आप आइए सीजी क्लासेस में और बहुत अच्छा आपको यहाँ पे पढ़ने को और सीखने को मिलेगा। नमस्कार, राम राम, कैसे हो सभी को? राम राम, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। देखो प्यारे विद्यार्थियों, अपन आज एक बहुत अच्छा टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं और उस टॉपिक को आपको आज यहाँ की यहीं याद करना है। और आज का जो मेरा टॉपिक है वो टॉपिक है मेरा आज का जो मेरा टॉपिक है वो टॉपिक है आपका बावड़ियाँ। पिछली बार एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आया था और इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए एक नया टॉपिक लिया मैंने, जिसका नाम है बावड़ियाँ। बावड़ियाँ कुएं के जैसी ही होती है, बस आपको ये समझना है कि बावड़ी जो शब्द है, आखिरकार भारत में इस शब्द का प्रचलन कैसे हुआ, आखिरकार बावड़ियाँ बनाने की जो कला है भारत में कहाँ से आई। सबसे पहले बावड़ी या कुआ या जिसमें पानी इकट्ठा किया जाता है जलाशय, सबसे पहले राजस्थान में वो कहाँ बना, तो देखिए आप थोड़ा सा बेसिक बता देता हूँ, क्योंकि हर टॉपिक पढ़ाने से पहले मैं बेसिक बताता हूँ। तो आप सभी मेरे साथ बने रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा सीखने का प्रयास कीजिए आप। देखो एक इतिहासकार है, इसमें भी इतिहासकार आ जाते हैं, देखो बावड़ियों की चर्चा करने में भी एक इतिहासकार है, और आप लोगों को पता नहीं है, डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल। जब वासुदेव का नाम ही पष्ट में आ गया, यानी भगवान कृष्ण का नाम आ गया, तो इसका मतलब है यहां से क्वेश्चन गलत नहीं जाएगा। इतिहासकार डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल के अनुसार रहट व बावड़ी, रहट व बावड़ी, बावड़ी को रहट भी बोलते हैं, रहट व बावड़ी दो विशेष प्रकार के कुएं होते हैं, के कुएं होते हैं। आपकी परिभाषा में बोलूं तो बावड़ी एक विशेष प्रकार का कुआ ही होता है। प्यारे बच्चों, एक चीज आपको अच्छी तरह से ध्यान में रखनी है कि भारत में
कुएं व बावड़ी बनाने की परंपरा शकों के द्वारा किस किनके द्वारा शकों के द्वारा लाई गई थी। भारत में कुएं व बावड़ी बनाने की जो परंपरा है भारत में शकों के द्वारा लाई गई थी। और बात करते हैं कि भारत में शकों के द्वारा लाई गई थी राजस्थान में शक शासकों का भीन माल और जालौर पर अधिकार यानी भीन माल पर अधिकार किया था जो जालौर के अंतर्गत आता है। यहां पर शक शासकों का अधिकार था। प्यारे बच्चों, मैं आप लोगों को एक शब्द बता देता हूं और आप लोगों को यह ध्यान भी रखना है, बावड़ी के लिए जो बावड़ी है, बावड़ी के लिए ध्यान रखना है ये शब्द, क्योंकि एग्जाम में आ सकता है शब्द का प्रयोग। इसका मतलब होता है शकों के कुएं या शकों का कुआ। बावड़ी के लिए सकंदू शब्द का प्रयोग हुआ है, जबकि रहट के लिए क्योंकि ये एग्जाम में पूछे जाते हैं, करकंदू शब्द का प्रयोग हुआ है। ये आपको ध्यान में रखना है कि बावड़ी के लिए तो किसका प्रयोग हुआ है, सकंदू शब्द का प्रयोग हुआ है। और ये आपको ध्यान रखना है कि रहट के लिए किसका प्रयोग हुआ है, रहट के लिए जो प्रयोग हुआ करकंदू शब्द का प्रयोग हुआ है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है कर्क देश का कुआ। याद करना है अपन को, साथ के साथ बोलते रहना आप। देखो, इतिहासकार डॉक्टर वासुदेव शरण के अनुसार रहट व बावड़ी दो विशेष प्रकार के कुएं होते हैं। भारत में कुएं व बावड़ी बनाने की परंपरा शकों के द्वारा लाई गई थी। राजस्थान में शक शासकों का भीनमाल जालौर पर अधिकार था, तो जाहिर सी बात है अगर भीनमाल जालौर पर अधिकार रहेगा तो ये रहट व बावड़ियों का निर्माण करवाएंगे। बावड़ी के लिए सकंदू शब्द का प्रयोग किया गया था, जो शकों का कुआ, और रहट के लिए करकंदू शब्द का प्रयोग किया, जो करक देश का कुआ कहलाता था, ऐसा बताया जाता है। अब मैं बात कर लेता हूं, आगे की ओर बढ़ जाता हूं और बेसिक को थोड़ा सा और बता देता हूं आप लोगों को, ताकि डायरेक्ट बावड़ी पढ़ना नहीं पड़े। आप देखो, आपने नाम सुना होगा और आप अच्छी तरह से जानते भी हो, भारत का शासक था छह से सैतालीस तक, जिनका नाम था हर्षवर्धन। नाम तो आपने सुना ही होगा, हर्षवर्धन। और ऐसा बताया जाता है कि भारत के शासक हर्षवर्धन के दरबारी विद्वान थे और दरबारी विद्वान का नाम था बाण भट्ट। और बाण भट्ट ने एक ग्रंथ लिखा था हर्ष चरित्र, और बाण भट्ट का जो हर्ष चरित्र ग्रंथ है, ये हर्ष चरित्र ग्रंथ में रहट शब्द का प्रयोग हुआ है। तो अगर आपसे पूछे
कि भारत के इतिहास में रहट शब्द का पहली बार प्रयोग कहां देखने को मिलता है, तो वो देखने को मिलता है बाण भट्ट के ग्रंथ हर्ष चरित्र में देखने को मिलता है। ये तो है भारत की बात। राजपूताना काल में समझना बात, राजपूताना काल की बात बता रहा हूं। राजपूताना काल में बावड़ी निर्माण हेतु इमारत खाना एक अलग से विभाग था। इसका मतलब हम समझ सकते हैं कि भारत में रहट शब्द का सर्वप्रथम में प्रयोग बाण भट्ट के ग्रंथ हर्ष चरित्र में हुआ था, और राजपूताना काल में भी बावड़ी निर्माण की प्रक्रिया के लिए एक अलग से विभाग था जिसका नाम था इमारत खाना। अब मैं आप लोगों को बताता हूं कि बावड़ियां कितने प्रकार की होती है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि बावड़ियां कितने प्रकार की होती है, तो देखो बावड़ियां होती चार प्रकार की। कितने प्रकार की होती है? चार प्रकार की होती है। ये आपको ध्यान रखना है, अच्छी तरह से ध्यान रखना है, भूलना नहीं है चाहे कुछ भी हो जाए। देखो पहला प्रकार है नंदा, ये किसी का नाम नहीं है, बावड़ी का प्रकार है। देखो नंदा बावड़ी किसे कहते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। देखो जिसमें एक प्रवेश द्वार हो, ऐसी बावड़ी जिसमें एक प्रवेश द्वार हो, एक तो क्या हो प्रवेश द्वार हो, और तीन कूट और मनोकामना पूर्ण करती हो। देखो मैं आपको बता दूं, महिलाएं बावड़ियों की पूजा करती है, और ऐसी बावड़ी अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ रहा है कि बावड़ी का वह प्रकार जिसकी पूजा करने से मनोकामना पूर्ण होती है, वह कौन सा प्रकार है? नंदा। इस बावड़ी में एक विशेषता होती है कि एक प्रवेश द्वार होता है, इसमें तीन कूट होते हैं साथियों। दूसरे प्रकार की बावड़ी का जो प्रकार है वो है भद्रा। देखो भद्रा, इसमें दो द्वार होते हैं, ऐसी बावड़ी जिसमें दो द्वार होते हैं वह षटकूट वाली बावड़ी, यानी बोल दो कि जिसमें दो द्वार और षटकूट होते हैं, ऐसी बावड़ी भद्रा बावड़ी कहलाती है। यह आपको ध्यान रखना है। तीसरा प्रकार है जया बावड़ी। अब जया बावड़ी में क्या होता है, इसमें तीन ऐसी बावड़ी जिसमें ध्यान रखना है, ऐसी बावड़ी जिसमें तीन द्वार और नौ कूट, तीन तो द्वार और नौ कूट होते हैं, युक्त बावड़ी कहलाती है जया बावड़ी। और एक बावड़ी का प्रकार आ रहा है सर्वोत्तमुख। ये शब्द पिछली बार किसी न किसी एग्जाम में पूछा गया था कि सर्वोत्तमुख शब्द का प्रयोग किसके लिए हुआ है, तो उसमें ऑप्शन था बावड़ी। इसमें चार द्वार होते हैं, कितने द्वार होते हैं? चार द्वार। ऐसी बावड़ी जिसमें चार द्वार और बारह सूर्य कूट वो बावड़ी कहलाती है सर्वोत्तमुख बावड़ी। तो आपको ध्यान रखना है, भारत का एक शासक था 606 से 643 जिसका नाम था हर्षवर्धन। हर्षवर्धन का दरबारी विद्वान था बाण भट्ट, और बाण भट्ट ने हर्ष चरित्र ग्रंथ में पहली बार रट शब्द का प्रयोग किया था। राजपूताना काल में भी बावड़ी निर्माण के लिए एक विभाग था जिसका नाम था इमारत खाना। और बावड़ी, चार प्रकार की बावड़ियां होती है,
नंदा, ऐसी बावड़ी जिसमें एक प्रवेश द्वार हो और तीन कूट हो और जिसकी पूजा करने से इंसान की मनोकामना पूर्ण हो, वो बावड़ी कहलाती है नंदा बावड़ी। दूसरी बावड़ी है भद्रा बावड़ी। भद्रा बावड़ी दो द्वार होते हैं और षट कूट वाली बावड़ी होती है, वो भद्रा बावड़ी कहलाती है। जया बावड़ी, ऐसी बावड़ी जिसमें कि तीन द्वार और नौ कूट होते हैं। सर्वोत्तमुख बावड़ी जिसमें चार द्वार और बारह सूर्य कूट होते हैं, ऐसी बावड़ी कहलाती। कौन सी? सर्वोत्तमुख बावड़ी कहलाती है। ये आपको ध्यान रखना है प्यारे साथियों। हम क्लास का अध्ययन कर रहे हैं, इसका जरिया ये नहीं है कि आप यूट्यूब पर ध्यान से ना देखकर और बातों चीतों में समय को बर्बाद करो और मेरी मेहनत को आप काम ना लो। आप लोगों को ये बावड़ी शब्द जिंदगी भर के लिए याद करना है तो साइलेंट तरीके से, ध्यान से, पूरे इत्मीनान से एक घंटे तक मेरे साथ क्लास में बने रहना। बावड़ी कुएं में से क्वेश्चन कभी गलत नहीं जाएगा। देखो, बावड़ी कुआ होता क्या है? होता वो है जिसमें जल एकत्रित किया जाता है। भाई, जिसमें जल एकत्रित होता है वो बावड़ी कुआ होता है। तो राजस्थान में सबसे प्राचीन जलाशय, राजस्थान में सबसे प्राचीन जलाशय, अगर आपके मन में आ रहा हो, राजस्थान में सबसे प्राचीन जलाशय जिसमें पानी भरा हो, कुआ बावड़ी से, तो राजस्थान में सबसे प्राचीन जलाशय पूछ लिया जाए तो क्या बताओगे? तो राजस्थान में सबसे प्राचीन जलाशय है लाहिनी। लाहिनी आपको याद है? लाहिनी बाबी। राजस्थान में सबसे प्राचीन जलाशय है लाहिनी बाबी। कौन सा है? लाहिनी बाबी। अब आप कहोगे, सर इसका निर्माण किसने कराया? अजमेर के, या बोल दो आप, अजमेर बोलना उचित नहीं है, सांबर के विग्रहराज सेकंड थर्ड की पत्नी, विग्रहराज थर्ड की पत्नी लाहिनी के द्वारा निर्माण करवाया 11वीं शताब्दी में। कब की बात है? 11वीं शताब्दी की बात है। दूसरी बात मैं आपको बता देता हूं कि लाहिनी का भाई था, भाई पूर्ण, इसके भाई का नाम आपको ध्यान रखना है, पूर्णपाल परमार। देखो, सांबर के शासक विग्रहराज की मृत्यु के बाद, विग्रहराज की मृत्यु के बाद लाहिनी अपने भाई के पास आकर रहने लगी। तो राजस्थान में सबसे प्राचीन जो जलाशय है उसकी बात मैं आपसे कर रहा था, तो राजस्थान में सबसे प्राचीन जो जलाशय था उसकी चर्चा मैं कर चुका था आपसे, और मैं आप लोगों को बता रहा था कि राजस्थान का जो सबसे प्राचीन जलाशय था लाहिनी बाबी का जलाशय, कौन सा था? लाहिनी बाबी का जलाशय। अब विग्रहराज की मृत्यु के बाद ये अपने भाई के पास रहने लग गई थी, और लग गई थी तो फिर इसने क्या किया? बसंतगढ़ सिरोही के सूर्य मंदिर की मरम्मत करवाकर एक जलाशय का निर्माण करवाया।
वहीं पास में एक जलाशय का निर्माण करवाया और यही जलाशय लाहिनी बाबी है। कौन सा है? लाहिनी बाबी, जो 11वीं शताब्दी में बना था, जो राजस्थान का सबसे प्राचीन जलाशय है। राजस्थान का सबसे प्राचीन जलाशय, सबसे प्राचीन जलाशय, यह आपको ध्यान रखना है। यह बेसिक समाप्त होता है और इसके बाद बावड़ियों के क्रम में मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं। पहली बावड़ी आप लोगों की, और पहली बावड़ी आप लोगों की स्टार्ट करने जा रहा हूं मैं। देखिए, तो पहली बावड़ी अपने स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो देखो, सबसे पहले मैं बावड़ियों के क्रम में सबसे पहले आप लोगों को अध्यापन का कार्य जिसका करा रहा हूं उसका नाम मैं आप लोगों को बता देता हूं। रानी जी की बावड़ी, रानी जी की बावड़ी। प्यारे साथियों, रानी जी की बावड़ी कई बार एग्जाम में पूछी गई है। अब रानी जी की बावड़ी कहां है? बूंदी में, बूंदी में। और बूंदी को अपन क्या कहते हैं? छोटी काशी। क्या कहते हैं? छोटी काशी। दूसरी चीज है प्यारे बच्चों कि मैं आप लोगों को बता दूं इसका निर्माण किसने करवाया था। तो निर्माण रानी जी की बावड़ी बूंदी में है और रानी जी की बावड़ी का निर्माण किसने करवाया था, तो मैं आपको बता दूं 1699 में राजा राव अनिरुद्ध सिंह की पत्नी 1699 में राजा राव अनिरुद्ध सिंह की पत्नी लॉर्ड कमर नाथावती ने करवाया था। तो रानी जी की बावड़ी कहां है? बूंदी। बूंदी को क्या कहा जाता है? छोटा काशी। रानी जी की बावड़ी का निर्माण किसने करवाया? अनिरुद्ध सिंह की पत्नी नाथावती ने करवाया। अच्छा, अंग्रेजों ने, देखो बावड़ी का दूसरा नाम वापी भी है। क्या नाम है? वापी। देखो अंग्रेजों ने क्या कहा था, अंग्रेजों ने हां इस बावड़ी का दौरा किया और अंग्रेजों ने इन्हें स्टेप वेल कहा। अंग्रेज कुछ भी कह सकते हैं, स्टेप वेल। इट इज नॉट बावड़ी, इट इज स्टेप वेल। पता नहीं, स्टेप वेल का शाब्दिक अर्थ होता है सीढ़ियों, भाई उनकी परिभाषा में सीढ़ियों वाला कुआ। क्या होता है प्यारे बच्चों? सीढ़ियों वाला कुआ। अब मैं आपको बता दूं कि बूंदी शहर को ध्यान रखना, आपको ये क्वेश्चन आ चुका है। बूंदी शहर को सिटी ऑफ स्टेप वेल्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सिटी ऑफ स्टेप वेल्स कहा जाता है। किसको? बूंदी शहर को। अच्छा, सैकड़ों की संख्या में यहां पर्यटक आते हैं, सैकड़ों की संख्या में। और ऐसा बताया जाता है ये एशिया की सर्वश्रेष्ठ बावड़ी है, एशिया की
सर्वश्रेष्ठ बावड़ी के अंतर्गत इसको गिना है, सर्वश्रेष्ठ बावड़ी, एशिया की सबसे सर्वश्रेष्ठ बावड़ी के अंतर्गत गिना जाता है किसको, रानी जी की बावड़ी को। और इसके मुख्य विशेषता मैं आपको बता दूं कि इसमें 150 सीढ़ियां हैं। कितनी सीढ़ियां हैं? 150 सीढ़ियां हैं भाई साहब, किसमें? रानी जी की बावड़ी में। और 27वीं सीढ़ी पर, ध्यान रखना है, 27वीं सीढ़ी पर दाई ओर, 27वीं सीढ़ी पर दाई ओर शिव पार्वती की मूर्तियां हैं, शिव पार्वती की मूर्ति, पार्वती की मूर्ति है। और मैं आप लोगों को एक विशेषता और बता देता हूं इसको, इसकी गहराई 200 फीट है, 200 फीट कुओं, 200 फीट गहरी बावड़ी, ये कौन सी? रानी जी की बावड़ी। और ऐसा बताया जाता है कि इसमें 3 तोरण द्वार है। तो एग्जाम में पूछा जाए कि 3 तोरण द्वार किसमें हैं? 3 तोरण द्वार, रानी जी की बावड़ी में 3 तोरण द्वार है। याद करते हैं मेरे साथ के साथ बोलना, बोलो रानी जी की बावड़ी कहां है? बूंदी, बूंदी को कहा जाता है छोटा काशी। 3 तोरण द्वार किस बावड़ी में? रानी जी की बावड़ी में। रानी जी की बावड़ी का निर्माण 1699 में राजा रावण रुद्र सिंह की पत्नी लॉर्ड कंवर नाथावती ने करवाया था। अंग्रेजों ने स्टेप वेल कहा, स्टेप वेल यानी सीढ़ियों वाला कुआं कहा, किसको? बावड़ियों को। बूंदी शहर को सिटी ऑफ स्टेप वेल्स कहा जाता है क्योंकि बूंदी शहर में बहुत सारी बावड़ियां बनी हुई है, अभी अपन पढ़ेंगे, याद रखना। एशिया की सर्वश्रेष्ठ बावड़ियों के अंतर्गत रानी जी की बावड़ी को गिना जाता है। 150 सीढ़ियां हैं, 27वीं सीढ़ी पर शिव व पार्वती की मूर्ति बनी है प्यारे बच्चों, और गहराई 200 फीट, 200 फीट गहरों को रानी जी की बावड़ी है, याद हो गया। और बावड़ी के लिए वापी शब्द का प्रयोग किया जाता है, चिंटू चिंटूडियो, ध्यान से देखते चलो, क्लियर? देखो क्लियर कैसे करना है। रानी जी की बावड़ी बूंदी, बूंदी को कहा जाता है छोटी काशी, और इसमें 3 तोरण द्वार है ना, किसमें? और छोटी काशी में सैकड़ों पर्यटक आते हैं। अंग्रेजों ने स्टेप वेल कहा, सीढ़ियों वाला कुआ कहा, और बूंदी सिटी को, सिटी को क्या कहा जाता है? सिटी ऑफ स्टेप वेल्स कहा जाता है। वो रानी जी की बावड़ी 200 फीट गहरी है और 150 सीढ़ियां हैं, 27वीं सीढ़ी पर शिव व पार्वती की मूर्ति बनी है, ये आपको ध्यान रखना है प्यारे साथियों। अब मैं आगे की ओर बढ़ जाता हूं और अब लिखता हूं हेडिंग, आबा नेरी कहां है? दोसा में। आबानेरी की चांद बावड़ी, आबानेरी की चांद बावड़ी, बोलो प्यारे बच्चों, आबानेरी की चांद बावड़ी कहाँ है? दोसा। और दोसा में भी पूछे तो क्या बताओगे? सिकंदरा। क्या बताओगे? सिकंदरा में स्थित, और सिकंदरा कहां पड़ता है? दोसा में। एक बार क्वेश्चन आया था निर्माण गुजर प्रतिहार काल में, गुजर प्रतिहार काल में, निर्माण गुजर प्रतिहार काल में, आबानेरी की चांद बावड़ी का निर्माण गुजर प्रतिहार काल में निकुंभ क्षत्रिय चंद ने करवाया था। निकुंभ क्षत्रिय चंद ने करवाया, चंद ने करवाया, किसका निर्माण? आबानेरी की चांद बावड़ी। अब आप पूरी तरह से
इस यहाँ समझते हुए चलना। देखो जो ये बावड़ी है ना, बावड़ी, इस बावड़ी का प्रवेश द्वार, बावड़ी का जो प्रवेश द्वार है ना प्यारे बच्चों, प्रवेश द्वार के आगे, प्रवेश द्वार के आगे ध्यान से समझना, यहां से क्वेश्चन आ चुका है। आगे अंधेरी एवं उजाली, अंधेरी एवं उजाली दो लघु प्रवेश द्वार हो रहे हैं, दो लघु प्रवेश द्वार। जैसे ही अपन मुख्य द्वार में प्रवेश करेंगे ना, तो इस साइड और यूं एक अंधेरी है और एक उजाली प्रवेश द्वार है। ऐसा बताया जाता है कि एक बार अंधेरी प्रवेश द्वार में एक बारात प्रवेश कर गई थी, वो बारात आज दिन तक वापिस लौटी नहीं, जाने कहां अंधेरा में गुमगी। ध्यान रखना ये बात। और सुनो, इस बावड़ी की सीढ़ियों को इस प्रकार से निर्मित किया है कि बावड़ी की सीढ़ियों को आज दिन तक गिना नहीं जा सका, सीढ़ियों को गिना नहीं जा सका, गिना नहीं जा सका। इस प्रकार से इन सीढ़ियों को जमाया है, निर्मित किया है कि इसको गिनोगे उधर जाके उसको गिनोगे तो वो गिनाई में नहीं आएंगे, ये ध्यान रखना है। और ऐसा बताया जाता है कि बावड़ी का जो जल है, जल या पानी तारे के समान टिमटिमाता है, टिमटिमाता है, तारे के समान टिमटिमाता दिखाई प्रवेश दिखाई देता है, ये आपको ध्यान रखना है। चांद बावड़ी आबानेरी दोसा में है, ये आपको ध्यान रखना है। और अमेरिका चीन यूरोप से शूटिंग करने आते हैं, यहां अमेरिका चीन यूरोप से शूटिंग होती है, यहां से शूटिंग करने आते हैं फिल्मों की शूटिंग, याद रखना अमेरिका चीन यूरोप से शूटिंग करने आते हैं, कहां पर आबानेरी की चांद बावड़ी। और प्रसिद्ध अगर आपको याद है तो याद होगा, वैसे आपको प्रसिद्ध नायक, प्रसिद्ध नायक जैकी चैन, जैकी चैन आ चुके हैं यहां शूटिंग करने, कौन आ चुके हैं, जैकी चैन आ चुके हैं शूटिंग करने, शूटिंग करने यहां जैकी चैन जैसे नायक आ चुके हैं प्यारे बच्चों। तो आप सोच सकते हो कि कितनी प्रसिद्ध बावड़ी ये, इसकी सीढ़ियों को गिना नहीं जा सकता। और एक बार पूछा गया था कि ये बावड़ी का निर्माण किस स्थापत्य कला से हुआ था, तो आपको ध्यान रखना तिलिसम स्थापत्य कला से निर्माण। तो इसको याद करते हैं, लिखने से कोई मतलब नहीं है, याद करते हैं। याद कैसे करते हैं, आबानेरी की चांद बावड़ी कहां है, सिकंदरा दोसा, आबानेरी चांद बावड़ी सिकंदरा दोसा, आबानेरी चांद बावड़ी सिकंदरा दोसा। निर्माण गुजर प्रतिहार काल में निकुंभ क्षत्रिय चंद ने करवाया, इसलिए चंद ने करवाया, इसलिए चांद बावड़ी, इसका पानी चांद या तारे के समान टिमटिमाता दिखाई देता है, इसलिए इसका नाम चांद बावड़ी हुआ, ध्यान रखना। बावड़ी का प्रवेश द्वार के आगे दो लघु प्रवेश द्वार है, अंधेरी उजाली दो लघु प्रवेश द्वार है। एक बार अंधेरी में एक बारात प्रवेश कर गई थी जो आज दिन तक वापिस लौटी नहीं, पता नहीं वो बारात कहां गई, शादी भी हुई नोई लाडी भी मली जन न मली, याद कोई ना काय काय हुई हो वो भगवान जाने, लेकिन वो पाची आज दिन तक कोनी आए भाई। बावड़ी की सीढ़ियों को इस प्रकार से निर्मित किया गया है कि सीढ़ियों को आज दिन तक गिना नहीं गया।
और जल या पानी तारे के समान टिमटिमाता हुआ दिखाई देता है। और प्रसिद्ध नायक जैकी चैन आवान एडी की चांद बावड़ी में आ चुका। अमेरिका चीन यूरोप से शूटिंग करने भी यहाँ आ चुके हैं और तिलिस्म स्थापत्य कला से इसका निर्माण हुआ था। ये शब्द डायरेक्ट आएगा तिलिस्म स्थापत्य कला से राजस्थान में किस बावड़ी का निर्माण हुआ था, आबा नेडी की चांद बावड़ी आपको करना है। चलो आगे की ओर चलते हैं। अब इसके बाद देखना आप भावल देवी की बावड़ी, भावल देवी की बावड़ी। अब आप कहोगे गुरुजी मैं कहूंगा बोलो, आप कहोगे गुरुजी ये कहाँ है, तो यही तो पूछ रहा हूँ मैं कहाँ है। तो ये भावल देवी की बावड़ी भी बूंदी में है। कहाँ पर है प्यारे बच्चों? बूंदी में है। और मैं आपको बता दूँ यहाँ के शासक भाव सिंह की पत्नी, भाव सिंह हड़ा था, भाव सिंह की पत्नी भावल देवी ने इसका निर्माण करवाया। किसका? भावल देवी की बावड़ी का निर्माण बूंदी के शासक भाव सिंह की पत्नी ने करवाया था, भाव सिंह हाडा की पत्नी ने करवाया था। ध्यान रखना है, अंग्रेजी के एल आकार में निर्मित बावड़ी। कौन सी निर्मित बावड़ी? अंग्रेजी के एल आकार में निर्मित बावड़ी। और सुनना, निर्माण क्वेश्चन आएगा यहां से, देखना निर्माण। देखो, बनाने में रावजी उस्ता तथा भावल देवी की निजी सेविका जो रानी के लिए काम करती थी, खाना वाना बनाती थी रानी के लिए, और भी कई प्रकार के कार्य, मैं क्या क्या बताऊं आपको, ऐसे नहीं बता सकता मैं, है ना, कमला, निजी सेविका कमला, इनका योगदान था। मतलब कमला और बहुत खतरनाक नाम बड़ारण, ये क्वेश्चन आ गया पिछली बार। अब क्या कहोगे आप? बड़ारण, कुसुम्बी, बड़ारण कुसुम्बी, कमली, ये कौन है? ये रानी की निजी सेविका थी, मासिल। निर्माण बनाने में रावजी उस्ताद तथा भावल देवी की निजी सेविका कमला, बड़ारण कुसुम्बी, कमली और मासिल का योगदान था। तो देखो, याद करेंगे कैसे करेंगे? भावल देवी की बावड़ी कहाँ है? बूंदी में है। यहाँ के शासक भाव सिंह की पत्नी भावल देवी ने इसका निर्माण करवाया था। अंग्रेजी के एल आकार से निर्मित बावड़ी है भावल देवी की बावड़ी। निर्माण में रावजी उस्ता मुख्य थे और भावल देवी की सहयोगी का भी इसमें थी, कमला, बड़ारण कुसुम्बी, कमली, मासिल आदि का भी इस बावड़ी निर्माण में योगदान था। प्यारे बच्चों, आगे की ओर बढ़ जाते हैं और अब देखते हैं फटाफट काका जी की बावड़ी। काकी कहाँ? काकी की चारोलेवा। काका जी की बावड़ी, क्वेश्चन पूछा जाए कि काका जी की बावड़ी कहाँ है, तो आप जानते हो काका जी की जो बावड़ी है वो इंद्रगढ़ में है। इंद्रगढ़ कहाँ है? बूंदी में है। इंद्रगढ़ बूंदी का एक राजा था। यहां या यह बावड़ी यहां के शासक
सरदार सिंह, यहाँ के शासक सरदार सिंह की पत्नी आली ने बनवाई थी। इसकी पत्नी का नाम था आली, उस आली ने इस बावड़ी का निर्माण करवाया था, ये आपको ध्यान रखना है अच्छी तरह। बात करता हूं मैं नो चौकी की बावड़ी, या नो चौकी। अब नो चौकी की बावड़ी कहाँ है? राजसमंद। राजसमंद में इसके बारे में आप जानते हो, और इसका निर्माण राज सिंह ने करवाया था। राज सिंह ने आपको बताया है कि नो चौकी राजसमंद जिले के उत्तरी भाग को कहा जाता है, और आप लोग अच्छी तरह से जानते हो यहाँ संस्कृत भाषा में लिखे हुए शिलालेख लगे हुए हैं, संस्कृत भाषा के पच्चीस शिलालेख लगे हैं। मेवाड़ का इतिहास लिखा जिनपे, क्या लिखा? मेवाड़ का इतिहास। तो ध्यान रखना है, याद कैसे करोगे काकाजी की बावड़ी इंद्रगढ़ बूंदी में है, यहाँ के शासक सरदार सिंह की पत्नी आली ने इसका निर्माण करवाया था। नौ चौकी की बावड़ी या नौ चौकी कहाँ है? राजसमंद में है, जिसका निर्माण राज सिंह नामक राजा ने करवाया था। उत्तरी भाग को नौ चौकी का, राजसमंद झील के उत्तरी भाग को नौ चौकी कहा जाता है, जहाँ संस्कृत भाषा के 25 शिलालेख लगे हैं जिनमें मेवाड़ का इतिहास लिखा गया है। सटासट पटापट आगे बढ़ते हैं टनाटन। देखो प्यारे बच्चों, मैं लिख रहा हूँ आपके सामने बहुत महत्वपूर्ण है। अब इस एपिसोड में जो बातें आएगी ना, ये बातें बहुत महत्वपूर्ण है। अगले 10 मिनट में बहुत ही महत्वपूर्ण चीज आने वाली है, और आप सभी शांति से मेरे साथ बने रहो। देखो प्यारे बच्चों, त्रिमुखी बावड़ी, असी बावड़ी जी का तीन मुंडा, त्रिमुखी बावड़ी। अब त्रिमुखी बावड़ी एग्जाम में आ चुकी है। अब त्रिमुखी बावड़ी कहाँ है? उदयपुर में है, उदयपुर में है। राज सिंह की पत्नी राम रसदे ने निर्माण करवाया। किसका? त्रिमुखी बावड़ी। याद करते चलना, अभी याद करा दूंगा मैं आपको, टेंशन मत करो, अभी झक करके भेजूंगा मैं आपको, बिल्कुल झक करके, है ना। वीरपुरी बावड़ी और वीरपुरी बावड़ी भी कहाँ है? उदयपुर में, ठीक। और इसके बाद में मैं बात करने जा रहा हूं बहुत ही शानदार और जानदार क्वेश्चन की, बात करने जा रहा हूं बाट, ये पिछली बार आया था, बाटालू या बाटुड़ा का कुआ, पिछली बार एग्जाम में आया गया क्वेश्चन, बाटुड़ा या बाटुड़ा का कुआ कहां स्थित है? क्वेश्चन ये आया था पिछली बार, बाड़मेर में है। ये क्वेश्चन पिछली बार पुलिस कांस्टेबल में आ चुका है, इसलिए तो मैं आपसे कह रहा हूं कि ये बहुत महत्वपूर्ण है। रावल गुलाब सिंह ने बनवाया था, ये आपको ध्यान रख। एक चट्टान बावड़ी, ये क्वेश्चन भी आ चुका है। अब क्वेश्चन मतलब नामों में से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, याद रखना। एक चट्टान बावड़ी कहाँ है मंडोर। पर्वतमाला की चट्टान को खोदकर
एल अक्षर में, एल आकार में या एल आकार में निर्मित, अंग्रेजी के एल आकार में निर्मित है, ये ध्यान आपको रखना है। नंबर पांचवी बात, मेड़तणी जी की बावड़ी। ये क्वेश्चन गलत कर दिया पिछली बार बच्चों ने, मेड़ता नागौर में कर डाला, जबकि मैं आपको बता दूं ये झुंझुनू में है। ऐसा जिला जिसके तीन नू और वो है झुंझुनू, वो है झुंझुनू। तो याद रखना है ये शार्दुल सिंह की रानी ने बनवाई थी ये। और आपको मैं ये भी बता दूं और आपको याद होना चाहिए कि ये बावड़ी बहुत महत्वपूर्ण बावड़ी है, क्योंकि पिछली बार एग्जाम में क्वेश्चन आया था, इसलिए मैं ज़्यादा जोर दे रहा हूँ और ज़्यादा जोर देके बता रहा हूँ। शार्दुल सिंह की पत्नी क्या नाम था उसका, शार्दुल सिंह की पत्नी का नाम था भक्त कंवर ने बनवाई थी। मेड़तणी जी की बावड़ी। छठी बात है, आपको ध्यान रखना है, मोरा कुंड ये पूछा गया मोरा कुंड, तो मोरा कुंड नादोती, और नादोती कहाँ है, करौली में है। लेकिन उस समय जब इसका निर्माण हुआ था सवाई माधोपुर के अंतर्गत आता था मोरा कुंड। और ऐसा बताया जाता है भगवान देवनारायण का मंदिर। इसके बाद एक एपिसोड हो रहेगा जिसमें बावड़िया टॉपिक खत्म हो जाएगा। देखो राजस्थान में बात करते हैं, राजस्थान में त्रिमुखी बावड़ी कहाँ है, तो राजस्थान में त्रिमुखी बावड़ी प्यारे बच्चों उदयपुर में है। उदयपुर के राज सिंह की पत्नी राम रसदे ने इसका निर्माण करवाया था। किसका, त्रिमुखी बावड़ी का निर्माण किसने करवाया था, उदयपुर में राज सिंह की पत्नी राम रसदे ने इसका निर्माण कराया। वीरपुरी बावड़ी उदयपुर में है। बाटुड़ा का कुआं बाड़मेर में रावल गुलाब सिंह ने इसका निर्माण करवाया था। एक चट्टान की बावड़ी कहाँ, एक चट्टान की बावड़ी मंडोर में है। पर्वतमाला को खोदकर एल आकार में इसका निर्माण करवाया गया। मेड़तणी जी की बावड़ी झुंझुनू के साथ, अब झुंझुनू शेखावटी, और शेखावटी किसके अंतर्गत आती थी, मारवाड़ के अंतर्गत, है ना। अब तो बीकानेर का शासक शार्दुल सिंह था, उसकी पत्नी ने भगत कंवर ने इसका निर्माण करवाया था। मोरा कुंड कहाँ है, नादोती है, और नादोती कहाँ है, करौली में। अगर ऑप्शन में करौली नहीं हो तो फिर आपको सवाई माधोपुर करना है। भगवान देवनारायण का मंदिर मोरा कुंड के समीप बना हुआ है। मोरा कुंड कहाँ है नादोती में है। मेड़तणी जी की बावड़ी कहाँ है, झुंझुनू में। एक चट्टान बावड़ी मंडोर में। बाटुड़ा का कुआ बाड़मेर में। वीरपुरी बावड़ी उदयपुर में है। और त्रिमुखी बावड़ी भी कहाँ है, उदयपुर में। ध्यान रखोगे ना। चलो आगे की ओर बढ़ जाता हूं मैं, सभी प्यारे बच्चों को ध्यान से देखना है। अब इसके बाद लास्ट एपिसोड, नौ लखा बावड़ी मन नो लख हर मंगा दे। नौ लखा बावड़ी कहां है, डूंगरपुर में है। कहाँ है प्यारे बच्चों, डूंगरपुर में। अब एक बार ये भी पूछ लिया गया था कि इसका निर्माण किसने करवाया था, तो आपको मैं बता दूं नौ लक्का बावड़ी का निर्माण महाराणा आसकरण की पत्नी, महाराणा आसकरण की पत्नी। ध्यान रखना है। क्या नाम था रे, हाँ, प्रिमल देवी ने यह ऐसा बताया जाता है कि उसकी याद में करवाया था, है ना। प्रिमल देवी ने 1602 में करवाया, आप तो ऐसे याद रखना, करवाया ठीक। नौलखा बावड़ी डूंगरपुर, महाराणा आसकरण की पत्नी प्रिमल देवी ने 1602 में इसका निर्माण करवाया।
अब देखो इससे भी महत्वपूर्ण बावड़ी चमना बावड़ी और चमनी चमना बावड़ी और ये चमना बावड़ी कहाँ है? भीलवाड़ा में है। और ऐसा बताया जाता है ये तीन मंजिला बावड़ी। और ऐसा बताया जाता है कि चमना बावड़ी चुनो भाई, ये चमना बावड़ी यहाँ को एक राजोचो हैं उम्मेद सिंह और राजा उम्मेद सिंह, अरे वार राजा उम्मेद सिंह ने गणिका चमना, गणिका होती वेश्या, गणिका चमना की इच्छा पूर्ति के लिए निर्माण करवाया। यानी कि उम्मेद सिंह की प्रेमिका थी ये गणिका, जो पैसे से गणिका थी, गणिका का मतलब होता है वेश्या, राजा प्रेमी था इसका, इसलिए उसके इच्छा पूर्ति के लिए इसका निर्माण करवाया। सीधी सी बात है। चांद बावड़ी, अब बताओ मुझे चांद बावड़ी कहां है? चांद बावड़ी जोधपुर में है और आबा नेड़ी की चांद बावड़ी दौसा में है, ध्यान रखना है। ये है चांद बावड़ी जोधपुर में। राव जोधा ने अपनी पत्नी राव जोधा की पत्नी थी चांद कुंवरी, अपनी पत्नी राव जोधा अपनी पत्नी के लिए करवाया चांद कुंवर। राव जोधा ने अपनी पत्नी चांद कुंवर के लिए करवाया था, चांद कुंवर ने इस बावड़ी का निर्माण करवाया था, यू भी आप कह सकते हो। लवाण की बावड़ी और लवाण की बावड़ी कहाँ है प्यारे बच्चों? दौसा में है, दौसा में। अब इसके बाद नारायणी माता का कुंड और नारायणी माता का कुंड कहाँ है प्यारे बच्चों? अलवर में है। अब नाम बचे हैं, आप लोग जगह बताओगे मुझे। नाज रजी बावड़ी मुझे बताओ, नाज रजी बावड़ी कहाँ है? जोधपुर में है। अब नाम याद रखना, कोई डिटेल नहीं है, जोधपुर में। तापी बावड़ी मुझे बताओ, तापी बावड़ी कहाँ है? ये भी जोधपुर में है। बीकाजी की बावड़ी ये क्वेश्चन पिछली बार आ चुका है, यहां से क्वेश्चन आते हैं बहुत महत्वपूर्ण ही। और बीकाजी की बावड़ी कहाँ है? अजमेर में है। कहाँ है प्यारे बच्चों? अजमेर में है। ये लास्ट एपिसोड है और पिछली बार एग्जाम में आया था तुवर जी का झाल रहा, बावड़ी के जैसा ही मामला होता है, थोड़ा सा बड़ा होता है, तुवर जी का झालरा, ये क्वेश्चन आ चुका है। तुवर जी का झालरा राजस्थान में कहाँ स्थित है? तो आपका आंसर क्या होगा? और इसका आंसर होगा जोधपुर। याद करना है, अभी मैं याद कराऊंगा आपको और आप याद करोगे। जच्चा बावड़ी क्वेश्चन पूछा था पिछली बार, याद आ गया मुझे, जच्चा बावड़ी कहाँ है, ऐसे क्वेश्चन आया था। तो जच्चा बावड़ी हिंडोन सिटी करौली में है। कहाँ पड़ता है? हिंडोन सिटी करौली में पड़ता है, वहां पर है जच्चा बावड़ी। ताल वृक्ष, बच्चों गलत कर दिया इसको, ताल वृक्ष बावड़ी है, क्वेश्चन आ गया पिछली बार। और ताल वृक्ष कहाँ है? अलवर में है।
ये आपके बावड़ी वाला टॉपिक खत्म हो गया और बावड़ी वाला टॉपिक खत्म हो गया। अन्य बावड़ियां तो अन्य बावड़ियों में देखो आप, अन्य बावड़ियों में गंगोद भेद कुंड आहाड़ में है, आहाड़ कहाँ है, उदयपुर में है। मांझी की बावड़ी आमेर में है। पन्ना मीणा की बावड़ी आमेर जयपुर में है। चूली बावड़ी जमुआ रामगढ़ में है। चूली बावड़ी कहाँ, जमुआ रामगढ़ में। चार घोड़ों की बावड़ी जोबनेर जयपुर में है। बिनोता की बावड़ी सादली चित्तौड़गढ़ में है। गोमुख कुंड चित्तौड़ में है। पनराई जी की बावड़ी जोधपुर में है। लाबू जी कटला की बावड़ी बीकानेर में है। झाजी रामपुरा कुंड बसवा दोसा में है। गंगोद भेद कुंड आहाड़ ध्यान रखना। जालपी बावड़ी जोधपुर में है। राजा जी की बावड़ी बारा में है। अनारकली की बावड़ी बूंदी में है। नादर धूंस की बावड़ी बूंदी में है। दावाई की बावड़ी बूंदी में है। रंडी की बावड़ी बूंदी में है। भोपन का कुआ केतुन में है। गुल्ला बावड़ी बूंदी में है। नागर सागर कुंड बूंदी में है। सूर्य कुंड चित्तौड़गढ़ में है। अन्य बावड़ियों में आप लोगों को ये ध्यान रखना है, इनको याद करना है। बोले गंगोद भेद कुंड आहाड़, गंगोद भेद कुंड आहाड़। मांझी की बावड़ी आमेर, मांझी की बावड़ी आमेर, मांझी की बावड़ी आमेर। गंगोद भेद कुंड आहाड़, मांझी की बावड़ी आमेर। पन्ना मीणा की बावड़ी आमेर। चूली बावड़ी जमुआ रामगढ़। चार घोड़ों की बावड़ी जोबनेर, चार घोड़ों की बावड़ी जोबनेर। बिनोता की बावड़ी सादली और गोमुख कुंड चित्तौड़। पनराई जी की बावड़ी जोधपुर, पनराई जी की बावड़ी जोधपुर। लाभू जी कटला की बावड़ी बीकानेर। झाजी रामपुरा कुंड बसवा दोसा। जालप बावड़ी जोधपुर। राजा जी की बावड़ी बारा। अनारकली की बावड़ी बूंदी। नादर धूस की बावड़ी बूंदी। दाबाई की बावड़ी बूंदी। रंडी की बावड़ी बूंदी। भोपन का कुआ केतुन कोटा। गुल्ला बावड़ी बूंदी। नागर सागर कुंड बूंदी। सूर्यकंड चित्तौड़गढ़। ये बावड़ी टॉपिक आपका संपूर्ण होता है। आप सभी प्यारे छात्रों को राकेश सर का जय सियाराम, गुड नाइट प्यारे छात्र।